महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनुस्मृति के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सितंबर अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष पर फर्जी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। अजित पवार ने कहा कि मनुस्मृति का कोई भी श्लोक प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है और न ही ऐसा प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार का मनुस्मृति को कोई समर्थन नहीं है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनुस्मृति के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सितंबर अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष पर फर्जी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। अजित पवार ने कहा कि मनुस्मृति का कोई भी श्लोक प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है और न ही ऐसा प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार का मनुस्मृति को कोई समर्थन नहीं है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।